प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में, और विश्वास करता हूँ कि हमारे जो वीडियो हम आप तक पहुँचाते हैं उन वीडियो के माध्यम से आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं और पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताने में ये वचन आपकी सहायता कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज का वीडियो भी हम आप सबके लिए लाए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो सकता है, उसके वचन के अनुसार जीवन जी सकता है, कैसे वो स्वर्ग राज के लिए हमेशा तैयार रह सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके ना जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाकर ना देखें, इससे आप बातों को नहीं समझ पाएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, इसीलिए आप थोड़ा समय निकालकर वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में जब फुर्सत हो आराम से देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसको बनाने का मकसद है, हमारे मसीह समाज में यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों में बहुत सारे युवा लोग हैं। जो युवा लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत उन युवाओं के संग, युवा लोगों के संग ये होती है कि वो कोशिश तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने की, लेकिन वो गिर जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज हम सबसे, आपसे, अगर आप युवा हैं तो खासकर आपसे परमेश्वर आज बात कर रहा है, और आपसे परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कैसे आप अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने में, ठीक है। पवित्र जीवन में कैसे आप सफलता पा सकते हैं। सांसारिक बातों में तो आपको बहुत सारी चीज़ों में सफलता देने वाले लोग आपको बताएंगे कैसे धन पा सकते हो, कैसे अच्छी जिंदगी पा सकते हो, कैसे संसार की वस्तुएं पा सकते हो, कैसे अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, कार आ सकती है, घर आ सकता है। वो सारी बातें मैं आपको बताने यहाँ नहीं बैठा हूँ, क्योंकि उन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको कैसे अमीर बनाऊँ, कैसे आपको करोड़पति बना दूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आप बन जाएंगे, ठीक है। इस संसार में आप दिल से मेहनत करेंगे तो आप बन जाएंगे, लेकिन जिसमें मनुष्य खुद मेहनत करके कुछ नहीं कर सकता, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। यानी कि पवित्र जीवन जीने के विषय में आप अपनी ताकत लगाकर नहीं कर सकते, उसमें आपकी मेहनत से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे यदि पवित्र आत्मा आपका साथ ना दे तो। इसीलिए मेरे वीडियोस में कभी भी आपको अमीर बनने के बारे में मैं नहीं बताता हूं, उसमें आप खुद ही माहिर हैं, खुद ही बन जाएंगे, लेकिन प्रभु के राज्य में बढ़ने के बारे में मैं बताता हूं, इसीलिए आप समझे मेरी बातों को। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले उन लोगों के लिए है जो युवा है और प्रभु यीशु के संग जाना चाहते हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो बुराई में और पाप में गिरने वाले हैं उनमें युवाओं का नंबर सबसे आगे है। नौजवान लोग सबसे ज्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि उस उम्र में आकर, जिस उम्र में नौजवान लोग होते हैं, व्यभिचार उनको पकड़ लेता है, व्यभिचार में वो गिर जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को प्रभु का वचन समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी समझ बूझ के साथ कार्य करें। प्रभु ने पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया है ताकि आप पवित्र आत्मा का सहारा लें, पवित्र आत्मा से पूछें, अपने जीवन का हर एक निर्णय आपको पवित्र आत्मा के द्वारा लेना चाहिए, तभी आप एक अच्छे मसीही नौजवान बन पाएंगे, तभी आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रह पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बात को आप याद रखें। आज के वचन में अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय के 5 आयत में यीशु मसीह इस प्रकार, परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार आज वचनों के द्वारा कह रहे हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना। युवा लोग, जो नौजवान लोग, ध्यान से सुनिएगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना है। कैसे हो जाता है, लोग अपनी समझ कैसे सहारा लेते हैं? आज नौजवान लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उन्हें शादी करना है और वो शादी करना चाहते हैं। कई बार उनको खुद एक ऐसी स्त्री या ऐसे पुरुष पसंद आ जाते हैं, उनके मन में होता है कि मुझे इससे शादी करना है, क्योंकि ये अच्छा, दिखने में अच्छी है या दिखने में अच्छा है, इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा है, ऐसे करके सोचते, कुछ भी एक उसके अंदर खूबी होगी या उसके दिल को अच्छा लगा होगा, उसके मन को अच्छा लगा होगा, और वो चूज कर लेता है कि ये मेरे जीवन की साथी होगी या ये मेरे जीवन का साथी होगा, इस प्रकार से। लेकिन प्रभु यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि मनुष्य ऊपर के रंग रूप और ऊपर की चीजों को देख सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर, उसके अंदर की चीजों को देखता है। और अगर आप अपने समझ का सहारा ना लेकर यीशु के समझ का सहारा लेंगे और प्रार्थना में इस बात को रखेंगे, प्रभु मेरे उम्र शादी के लायक है परमेश्वर, और मैं आगे शादी करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे लिए उत्तम जीवन साथी आप मुझे प्रदान करें। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसा करेंगे तो आपको परमेश्वर
जैसा आपके लिए उत्तम है वही आपको देगा। अगर आप अपने बुद्धि का समझ का सहारा लेंगे तो बाद में जाकर आपको पछताना पड़ेगा। आज बहुत बड़ा दिक्कत मसीहों में, मसीह समाज में यह है कि शादी तो हो जाती है, अच्छे से शादी हो जाती है, लेकिन वो शादी टिक नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा लिया था, परमेश्वर के समझ का सहारा नहीं लिया था। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रख के कार्य करते तो ऐसा आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जरूरी है हर काम को आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, ठीक है? उसी को स्मरण करें, परमेश्वर को ही स्मरण करें। 6 आयत कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत बार आप फंस जाते हैं, इसको कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और अपने समझ के अनुसार करना चाहते, लेकिन यहां पर भी परमेश्वर कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने आप पर सोच विचार पर छोड़कर परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, खुद निकलने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करके देखते भी होंगे, देखते हैं और देख भी रहे हैं, आप नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप परमेश्वर की स्मरण करेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे, तो वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, बिल्कुल सीधा मार्ग। आपको मालूम है लाल समंदर मिस्रियों के लिए कैसा था? वो कोई भी पार करना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता था पानी भरा हुआ, कैसे जाएंगे। प्रभु ने सीधा मार्ग निकाला, लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया और उसके बीच में से लोग निकल कर गए। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपके जीवन में ऐसी लहरें आएंगी, ऐसे पानी आएगा जिससे आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु कहता मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। आप रखकर तो देखिए परमेश्वर पर भरोसा। आज इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन को परखिएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद जाकर घुटने पर बैठ के प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। जो भी जीवन में आपकी कठिनाइयां है ना, प्रभु आपको दूर कर देगा। आप करके तो देखिए एक बार। एक बार आप यीशु के पास आइए तो सही, एक बार पिता से पुत्र के नाम से मांगिए तो सही, अपने पापों को अंगीकार करके पश्चाताप करिए तो सही, देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता। मेरे प्रियो, उसकी दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। और 7 आयत कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। इन सब के बाद परमेश्वर कह रहा है अपनी बुद्धि में क्या घमंड नहीं करना है आपको। अपनी बुद्धि में क्या वो नहीं सोचना है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत काम कर सकता हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, मराठी, गुजराती, मतलब कुछ भी आपके अंदर एक खासियत होगी उस पर घमंड नहीं करना। बुद्धिमान मत बनना, क्योंकि सब कुछ किसने दिया आपको? परमेश्वर ने दिया, और उसका भय मानना है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानकर चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उत्तम चीज़ों को प्राप्त करता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में इसको देखा है। कई वर्षों तक मैंने प्रभु के उस चमत्कार को अपने जीवन में महसूस किया है। मेरे प्रियो, मैं ये सब चीज़ें सिर्फ बाइबल से पढ़कर ही आपको नहीं सुना रहा हूँ, मेरे जीवन की, खुद के जीवन की गवाही है ये जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे चलाया, आपको भी चलाए, और इसीलिए जैसे मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, आप भी विश्वास रखें। ये बातें आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। मेरे प्रियो, दुनियादारी में मत जाइए, संसार में रहने के अच्छा है कि प्रभु के चरणों में आकर बैठ के अपने जीवन को सुधार लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। और ये मत भूलिएगा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, उससे पहले अगर आप अपने आप को सुधार लेंगे, उससे पहले अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में आने देंगे, मौका देंगे काम करने के लिए, तो अच्छा होगा। यीशु के आने के बाद आप गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, कोई भी आपका सुनने वाला नहीं होगा।